हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स कि BSNL FMS में अगर आपका प्रोविजन ऑर्डर पेंडिंग में पड़ा हुआ है तो उसको कैसे क्लियर करते हैं। तो आप अपने FMS में लॉगिन हो जाइए। मैं लॉगिन हो चुका हूँ और मैं यहाँ पे देखता हूँ कि कैसे हम लोग इसको क्लियर करते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा फ्रेंड्स, अपने प्रोविजन पे क्लिक करना होगा, प्रोविजन ऑर्डर पे। और उसके बाद में पहले इसको एक बार असाइन करना होता है, उसके बाद में इसको क्लियर करना होता है। ठीक है, तो मैं इसको पहले असाइन करता हूँ, उसके बाद में इसको क्लियर करता हूँ। मैं इसको असाइन पे क्लिक कर दिया और इसके बाद में यहाँ पे टीम मेंबर मैंने चूज कर लिया, उसको सबमिट कर दिया, ओके कर दिया। ठीक है, ये असाइन हो चुका है। अब इसको हम लोग को क्या करना होगा फ्रेंड्स, इसको हम लोग को क्लोज भी करना होगा। तो मैं आप क्लोज पे क्लिक करूंगा और उसके बाद में टीम मेंबर चूज करूंगा। टीम मेंबर चूज करने के बाद में यहाँ पे ONT आपको थर्ड पार्टी TIP चूज करना है और स्प्लिटर लोकेशन जहाँ का आपका लोकेशन है फ्रेंड्स वहाँ का लोकेशन दे देना है। जैसे कि मैं अपना लोकेशन दे दे रहा हूँ, सॉरी फ्रेंड्स, मैं अपना लोकेशन यहाँ पर दे दे रहा हूँ। उसके बाद में आपको स्प्लिटर टाइप में जो भी आपका स्प्लिटर है वो टाइप दे दीजिएगा। स्प्लिटर नंबर में मैं 1 दूंगा और स्प्लिटर पोर्ट 1। फीडबैक में आपको फिजिबल देना होगा फ्रेंड्स। ठीक है, फिजिबल देने के बाद में आपको क्या करना होगा, ONT में आपको ONT ही रहने देना है। और यहाँ पे ऑल डॉक्यूमेंट कलेक्टेड वेंडर आईडी में थर्ड पार्टी TIP ONT में आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 17 डिजिट का होता है फ्रेंड्स। UPSIN नंबर में आपको 1 2 3 4 देना होता है। ONT पोर्ट में आपको 1 देना होगा, ONT आईडी में 1 देना होगा। और फीडबैक में आपको मैंने अभी बताया है फिजिबल देते हैं फ्रेंड्स, हम सब फिजिबल ओ देना पड़ता है। ओएलटी डिटेल्स में आपको फिर क्या देना होगा फ्रेंड्स, 1 फ्रेम नंबर, 1 रैक नंबर, 1 ओएलटी कार्ड नंबर, 1 ओएलटी पोर्ट नंबर, 1 और ओएलटी टाइप में फ्रेंड्स ईपोन है तो ईपोन, जीपोन है तो जीपोन। ठीक है, और फिर ठीक है थर्ड पार्टी TIP। और वेंडर में आपको क्या देना होगा, आपका जो वेंडर है FTS गंगा, उसके बाद में यहाँ पे आपका IP आ जाएगा। EMS पोर्ट में 1 देना होगा फ्रेंड्स। और पावर लेवल आपका कितना है फ्रेंड्स, पावर लेवल आपका -8 से लेकर -15 के बीच में आप कोई भी दे सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर -14 दे देता हूँ और लास्ट माइल में आपको TIP दे देना है। ठीक है, और विलेन आईडी जो आपका विलेन आईडी है फ्रेंड्स, वो विलेन आईडी यहाँ पर आपको देना होगा। जैसे कि मेरा विलेन आईडी ये है, मैं यहाँ पर दे दिया हूँ और इसको सबमिट कर दूंगा तो ये क्लॉज हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्लॉज हो चुका है, मतलब कि अब इसका कनेक्शन चालू हो गया होगा, इसको कनेक्शन को आप चालू हो गया होगा। वैसे ही आप लोग वॉइस को भी क्लियर कर सकते हैं, बहुत आसान था फ्रेंड्स क्लोज करना, तो आप लोग क्लोज कर लीजिएगा, ये हो जाएगा बहुत ही इजी से। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कि BSNL में फ्रेंचाइजीज मैनेजमेंट में अगर कोई प्रोविजन फंसा हुआ होता है तो उसको हम लोग कैसे क्लियर करते हैं। तो अगर आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही रिलेटेड और बहुत सारे वीडियो आती रहती है हमारे चैनल पे, तो इससे जुड़े रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।